ऐसा लगता है पूरा भूकंप आ गया। देखो मैं चावल ले ली हूँ, देखो चावल, एंड इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ, इसमें बन गया है। ए निकल गया, तो देखो कितना अच्छा ये। सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी जा रही हूँ मैं घर की सफाई करने, एंड मुझे आज बाहर मार्केट भी जाना है क्योंकि मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। सभी फटाक से घर की सफाई करती क्योंकि मैं सुबह सफाई की नहीं थी घर की, तो अभी चलते हैं घर की सफाई करते हैं। सो देखो पूरी सफाई मैंने कर ली है पूरे घर की। तो देखो यहाँ पे, एंड देखो पूरा सोफ़ा ये भी साफ़ किया है, एंड ये भी साफ़ किया है, सबको साफ कर लिया है। बस एक टेबल रह गया शीशे का टेबल, तो इसे अब साफ करती हूँ। सब खाना खा के थे, ऐसे ही गंदा छोड़ दिए थे, तो ये पूरा गंदा हो गया था। तो ये वॉशिंग मशीन है, ये क्या है, ऐसा लगता है पूरा भूकंप आ गया। देखो अभी अभी तो थोड़ा धीरे हो गया है। अभी बहुत भूख लग रही है, तो मैं चावल ले ली हूँ, देखो चावल, एंड अभी ये दाल गर्म कर रही हूँ। बहुत भूख लगी है, चावल दाल खाऊंगी बस, सब्जी में तो कुछ है नहीं। सोच रही आलू का चिप्स छान लेती हूँ। ठीक है चलो आलू का चिप्स ही बनाते हैं। तो दो आलू मैंने ले लिए हैं और इसका चिप्स बनाऊंगी। आलू ली हूँ और दो आलू का चिप्स बनाऊंगी, एंड अभी आप लोगों को बताऊंगी कि आलू के चिप्स आपको अगर बहुत जल्दी बनाने हैं तो कैसे बना सकते हैं। इसे छीलना है आलू को, तो छील सकते हैं, ऐसे बिना छीले भी बना सकते हैं। छील लेंगे और एकदम पतला वाला, जो एकदम पतला वाला सेफ है, ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो इसमें नहीं बनाएंगे, पतले वाले में बनाएंगे। जल्दी से लेके पानी में ऐसे ऐसे एक तरफ कढ़ाई, ये जो भी पैन है तेल वाला, उसे गर्म कर लेंगे। ये दिख रहा है एकदम ऐसा पतला होना चाहिए। वॉश कर लेंगे, बस वॉश करना है, एंड गर्म तेल में तुरंत ही फ्राई कर लेना है। ठीक है, हमारे घर में भूकंप आ चुका है क्योंकि ये देखो हिल रहा है ना। तो जब भी कपड़े धोती हूँ तो ऐसे ही हिलता है, ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया है घर में। वैसे भूकंप जब आया था आई थिंक आज से 7 साल पहले, तो हम लोग काफ़ी डर गए थे। तो देखो और मैं चिप्स बनाना आप लोगों को सिखा रही हूँ ना, और धो के पानी हो या कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता ये। ठीक है, और इसको देखा इस तरह से डाल देंगे हम, और देखना ये कैसा बनता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आराम से बन जाएगा। वो जो YouTube पे सिखाते ना कि ऐसे इसको कटिंग करें, फिर धोएं, फिर पोछें, फिर सुखाएं, फिर उसके बाद फ्राई करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मतलब आप जल्दी से आलू को धो, जस्ट काटो, धो, छीलो, धो, काटो, एंड तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। ठीक है, तो तेल गर्म रहे और फ्लेम को बिल्कुल, फिर मैंने फ्लेम को बिल्कुल भी कम नहीं किया है, एकदम तेज ही रखेंगे इसे, एंड तेज आँच पे ही इसे अच्छे से ऐसे चलाना भी उतना, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप चलाओ या ना चलाओ, तो बस इस तरह से आलू को फ्राई कर लेंगे और ये अपने आप एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। मैं अभी बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोगों को बिलीव तो ही जाएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये देखो बन रहा है, और जब रेड हो जाएगा तो मैं फिर से दिखाऊंगी। तो वो काफ़ी लगी है, और देखो मम्मी सुबह सुबह ना चूल्हे पे ये चावल बनाई थी, पता नहीं उसको क्या शौक आज क्या उसके मन में आ गया, मतलब सुबह उठी और चली गई चूल्हे पर खाना बनाने के लिए। दाल चावल मैंने चूल्हे पे ही बनाया, एंड सब्जी नीचे बनाई। तो सब्जी मेरा खाने का मन नहीं हो रहा क्योंकि मैं सब ज़्यादा ऑयली सामान खाती नहीं, एंड सब्जी मुझे पसंद ही नहीं आता, तो मैं सब्जी तो खाती भी तो थोड़ा सा खाती हूँ। दाल तो थोड़ा सा बचा हुआ है क्योंकि इस टाइम में तो खाना ख़त्म हो जाता है, पर थोड़ा फिर भी आज बचा हुआ है। तो अरे ये तो बहुत गर्म है। तो देखो इसमें अचार है जो कि मेरा फेवरेट है, अचार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या ही करूँ मैं, कैमरा पकड़ू या अचार निकालू। चलो ये अचार ले लिया है मैंने। हेलो, सो गाइस देखो रिजल्ट आपके सामने है,
देखो ये मत सोचना कि मैं ये दुकान में से ले गया हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो इसमें मैं सारा निकाली हूँ और इसमें मैंने नमक डाला है एंड जीरा पाउडर एंड क्या बोलते हैं मरीच। तो ये सुन रहे हो, आइए देखो कितना क्रिस्पी है। बहुत अच्छा है। सो गाइस देखो अभी स्वीट कॉर्न जिसे बोलते हैं कॉर्न, इसे बाहर निकल रहा है। तो अभी इस पे ना उबाला जाएगा ये स्वीट कॉर्न। कल तो पका के खाए थे और आज उबाल के खाएंगे। और मैं खाना लेके छत पे ही आ गई हूँ, देखो तो छत पे ही खाना खा लेती हूँ, सही रहेगा। और मुझे अभी वीडियो भी एडिट करनी है, एक शॉर्ट वीडियो है छोटा सा, ऐसे कुछ कुछ बना लिया था मैंने, तो वो भी एडिट करूँगी अभी यहीं पे डेस्कटॉप पे, और खाना भी यहीं पे खा लेती हूँ। सो गाइस देखो ये बाल उबल गए हैं, एक निकल गया, दो ना, मस्त आ रहा है ना। सो देखो मैंने किचन बहुत ज़्यादा गंदा था तो किचन क्लीन कर लिया है, और अभी मैं जा रही हूँ आलू रोटी बनाने, तो उसके लिए मुझे आलू उबालना पड़ेगा। तो इतने सारे आलू मैं ले चुकी हूँ एंड मैं इसे जल्दी से उबाल लेती हूँ, उसके बाद मैं रोटी की तैयारी करूँगी, फिर बीच में आटा भी सान लूँगी, तब तक ही आलू उबलेगा। सो अभी आलू को मैं पहले धो लेती हूँ, तो धो लूँगी। इतना सारा आटा ले आई हूँ, अभी इसका क्या बोलते हैं इसे सान के इसकी रोटी बनाऊँगी। तो अभी जल्दी से इसे तैयार कर लेते हैं। सो देखो आटा मैंने तैयार कर लिया है, ये पूरा पता नहीं कितना आटा है लेकिन वो तैयार हो चुका है। सो देखो हरी मिर्च, ये हरी धनिया, आलू एंड ये हरी मिर्ची। सो गाइस देखो सारा कुछ डाल लिया, तेल, नमक एंड मिर्चा, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, प्याज मिर्चा जो भी कुछ है, प्याज मिर्चा नमक धनिया पत्ता सब कुछ डाल चुकी हूँ। सर्दी भी हो गई मुझे, तो इसे मिक्स करती हूँ। ये आलू बहुत अच्छा टेस्टी बन के तैयार हुआ है, और खा के मैं देखी थोड़ा ज़्यादा खा के देखी हूँ, इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा। मैं पहली बार ट्राई कर ली है। तो देखो इसे कटोरी बना के इसमें आलू डाल दी हूँ एंड इसे फिर फिल करके ऐसे ऐसे करके ऐसे राउंड राउंड राउंड, देखो ये हो गया। तो बस इसे बेल के पका लेना है। देखो ये रोटी एकदम प्यारी सी रोटी बनके तैयार है, और बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही टेस्टी है। इतना आता है सोच सकते हो, एक घंटे तो लगेगा ही लगेगा। तो मैं इसे बना के आती हूँ, तब तक आप लोग ब्लॉग में बने रहो, ठीक है। सो गाइस अभी रोटी बनाते बनाते बहुत ही ज़्यादा थक गई, तो अभी मैं रूम में आ चुकी हूँ एंड पूरी रोटी मैंने बना ली। पूरे एक घंटे लगे मुझे रोटी बनाने में, तो काफ़ी मेहनत वाला काम है आलू पूरी बनाना, मतलब टाइम तो लगता ही है। सो देखो रोटी एंड ये है टोमेटो सॉस एंड ये है रोटी। सो दो रोटी मैंने ली है एंड जल्दी से मैं रोटी खाती हूँ, रोटी का मतलब खाना खाती हूँ एंड मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, एंड चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।